please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस की जांच कर रही महिला अधिकारी श्वेतांबरी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कठुआ केस के आरोपियों के वकील की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद श्वेतांबरी शर्मा भी मीडिया के सामने आई और ये दावा किया कि केस की तफ्तीश के दौरान उनकी टीम किया कि केस की तफ्तीश के दौरान उनकी टीम पर हमला हुआ। हम पे अटैक भी किया गया, उस टाइम पे भी अपनी टीम को निकाल के हमारी पूरी टीम वहाँ से निकली। साथ ही उन्होंने बातचीत में ये भी बताया कि आरोपियों को बचाने के लिए लोग तिरंगा लेकर सामने आए। ऐसे माहौल भी थे जिस टाइम पे तिरंगा लहराया जाता था और अपने स्टेट की पुलिस पे शक किया जाता था। लगे हाथ महिला अधिकारी ने दावा किया कि सच्चाई सामने लाने के लिए जांच टीम ने 72 दिन तक लगातार काम किया और मामले से जुड़ी कड़ियों को जोड़कर आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए ताकि मासूम को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जा सके। हालांकि बातचीत में श्वेतांबरी शर्मा ने यह दावा भी किया कि सबूतों को नष्ट करने में कुछ पुलिस के लोग भी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। हीरानगर पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी लोग जो आज अरेस्टेड हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। लगे हाथ उन्होंने इस शर्मनाक घटना को धर्म से जोड़ने वालों को भी जवाब दिया। बेटियां जो होती हैं वो किसी धर्म या जाति की नहीं होती, वो सांझी होती हैं। सबसे पहले हम इंसान बन जाएं, इंसान बनने के बाद हम हिंदू या मुस्लिम बनेंगे। इस मामले में जांच टीम की तरफ से शुरुआती चार्जशीट कोर्ट में दायर की जा चुकी है जबकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करना अभी बाकी है।